एलपी फैक्ट एंड नॉलेज टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत। नंबर 1 ड्रैगन ट्रायंगल। आप भी जानते होंगे कि ड्रैगन सी की कहानी भी सदियों पुरानी है। बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही ड्रैगन ट्रायंगल भी पैसिफिक महासागर के मिड आइलैंड में मौजूद है। ये जगह टोक्यो शहर से 200 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर हवाई जहाज से लेकर सब मैरिन तक सब गायब हो चुके हैं। कहा जाता है कि ड्रैगन ट्रायंगल पहुँचते ही कंपास अपना डायरेक्शन खुद ही चेंज कर देता है। जापानीज लोग मानते हैं कि समुद्र में ड्रैगन रहते हैं। 1952 में जापानीज गवर्नमेंट ने एक सर्वे टीम को भेजा था जिसमें कि 31 लोग थे, मगर वो सब ड्रैगन सी में ही डूब गए और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए। आश्चर्य और हैरानी की बात यह है कि ड्रैगन ट्रायंगल बिल्कुल बरमूडा ट्रायंगल की विपरीत दिशा में ही स्थित है और यहाँ पर हादसे भी बरमूडा ट्रायंगल से ज़्यादा होते हैं। आज तक लोगों ने ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में जो भी बातें बताई हैं वो सब बातें अलग अलग हैं। सब लोगों की अलग अलग सोच है। कोई कहता है कि यहाँ पर ड्रैगन मौजूद है तो कोई कहता है कि यहाँ पर एलियन है। नंबर 2 ब्लड फॉल। क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो आज भी मानव जाति के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। ब्लड फॉल को दुनिया का सबसे कठिन फॉल माना जाता है और ये मिस्टीरियस फॉल में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है। पहले साइंटिस्ट का मानना था कि ये पानी का लाल रंग लाल अल्काई के कारण है, मगर टेलर नामक साइंटिस्ट ने 1911 में ये साबित कर दिया कि यहाँ पर आयरन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है जिसकी वजह से पानी का रंग लाल है। क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पता? नंबर 3 बरमूडा ट्रायंगल। आप जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल इस दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्लेस समझा जाता है। इसका जिक्र भारत की पौराणिक कथाओं में भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल और उसके आसपास आने वाली सब चीज़ों को वो निगल लेता है। बरमूडा ट्रायंगल का ग्रेविटेशनल फील्ड भी इतना ज़्यादा है कि ये किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यहाँ पर बहुत सारे हवाई जहाज गायब हो चुके हैं जिनका आज तक कुछ भी अता पता नहीं चला। बरमूडा ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये जगह बरमूडा, पार्तरिको, मयामी और बरमूडा के बीच में स्थित है। पहले के मुकाबले अब यहाँ पर हादसे कुछ कम हो गए हैं और साइंटिस्ट भी अब इसकी गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं। कोलोराडो के साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ पर हेक्सागोनल क्लाउड बनते हैं जो कि एयर बम की तरह फटते हैं, जिनके फटने से ही यहाँ पर तूफान। नंबर 4 कानो क्रिस्टल कोलंबिया। ये एक मिस्टीरियस लेक है जो कि कोलंबिया में स्थित है। यह इतनी खूबसूरत है कि आप इसे देखते देखते नहीं थकोगे। यहाँ का पानी गर्मियों में लाल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और ये मान्यता है कि इन पेड़ पौधों की वजह से ही इस लेक के रंग का पानी लाल है। अगर आपकी इच्छा भी लाल रंग का पानी देखने की है तो हमारी राय है कि एक बार आप कोलंबिया जरूर जाकर देख कर आएँ। नंबर 5 ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला मैक्सिको। क्या आपने कभी इजिप्ट के पिरामिड के बारे में सुना है? क्या आपने कभी आज तक दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड को देखा है? जी हाँ, ये पिरामिड मैक्सिको में मौजूद है। एरिया और वॉल्यूम के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, पर सबसे बड़ी मिस्ट्री भी यही है कि इस पिरामिड को किसने बनाया ये आज तक कोई भी नहीं जानता और इसका कोई भी रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं है। ये पिरामिड मंदिर की तरह दिखाई देती है, इसमें सीढ़ियाँ भी हैं। अगर आप कभी भी मैक्सिको जाएं तो इस पिरामिड की टनल में अवश्य घूमकर आएं। 6 म्यूजिकल पिलर ऑफ विट्टल। विट्टल टेंपल कर्नाटक में स्थित है जो कि एक अकेला भारतीय मिस्टीरियस प्लेस है। कहते हैं कि इस मंदिर में 56 पिलर हैं और वो भी म्यूजिकल पिलर। जी हाँ, इन पिलर से सात सुरों की आवाज़ निकलती है। ये मंदिर विजयनगर शासनकाल में बनाई गई थी जो कि 14वीं सदी में बनाई गई थी और आप ये सात सुर भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो ये सात सुर हैं सारे गा मा पा धा नी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पिलर के अंदर ऐसा है क्या है जो इनसे ये आवाज़ें आती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इनको बनाते समय ही अलग तकनीक अपनाई गई। नंबर 7 जोन ऑफ साइलेंस इन मैक्सिको। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेडियो सिग्नल काम नहीं करते। यहाँ तक भी कहा जाता है कि ये एक ऐसी जगह है जो उल्का पिंडों को भी अपनी तरफ खींच लेती है। 1970 में ये जोन तब चर्चा में आया जब अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया एथेना रैकेट यहाँ आकर क्रैश हुआ। ये रैकेट ग्रीन रिवर उथा से लॉन्च किया गया था और इसे सैंड मैक्सिको में लैंड करना था, मगर अचानक ही ये गायब हो गई। अगले दिन सुबह ये जोन ऑफ साइलेंस में क्रैश हो गई। साइंटिस्ट का मानना है कि यह बहुत तरह के मैग्नेटाइट पाए जाते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते आते हैं। माने या ना माने, मगर ये जगह भी जियोग्राफिकल पिरामिड ऑफ इजिप्ट बरमूडा ट्रायंगल ड्रैगन ट्रायंगल के लैटिट्यूड में ही आती।
नंबर 8 जैकब वेल। क्या आपने कभी मौत के कुएं को देखा? अगर नहीं देखा तो जैकब वेल को देख लीजिए। जैकब वेल विम्बले अमेरिका में स्थित है। यहाँ पर 1850 ईस्वी में काफ़ी मौत हुई है। बहुत साल पहले तक यह अमेरिकन लोगों के मिलने की जगह हुआ करता था, मगर अब इसे एडवेंचर स्पोर्ट के रूप में यूज किया जाता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स इतना सुनकर खुश मत होइए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अनगिनत इंजरी हुई है और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। नंबर 9 डेड सी। रेड सी जॉर्डन, एक ऐसा समुद्र जिसमें आप कभी डूब नहीं सकते, चाहे आपको तैरना आता हो या ना आता हो। जी हाँ, डेड सी एक ऐसी जगह है जिसमें आप स्विम नहीं फ्लोट करते हो, क्योंकि इसके पानी में नमक की मात्रा बहुत अधिक है और आप यह पानी पी भी नहीं सकते हो नमक और तेल की वजह से। इसीलिए यहाँ पर कोई भी मछली व जल में रहने वाले जीव नहीं रहते, बस आपको यहाँ पर अल्काई और बैक्टीरिया ही देखने को मिले। नंबर 10 द नोजका लाइन पेरू। क्या भगवान हमें ऊपर से देखते हैं? हमारी यही सोच है कि हम जो भी करेंगे भगवान हमें देखते होंगे, तो हम आपको आज ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। द नोजका लाइन पेरू में 400 से 650 ईस्वी बीच में बनाया गया था। ये भारत के इंडस वैली सिविलाइजेशन के बराबर है। अगर आप फोटो में दिख रही लाइनों को देखेंगे तो इसमें आपको अलग अलग तरह के पशु पक्षी और आदमियों के चित्र दिखेंगे। अब आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि क्या अलग है, ये लाइन सिर्फ आपको हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट की सहायता से ही दिख सकती है। नीचे ज़मीन पर रहते हुए ये फोटो आपको दिखाई नहीं देंगी। आर्कोलॉजिस्ट ने नोजका सिविलाइजेशन के बारे में बहुत खोज की, मगर किसी को ये मिस्ट्री समझ ही नहीं आई। लोगों की मान्यता है कि इन तस्वीरों को ऐसा बनाने की वजह थी कि भगवान उन्हें ऊपर से देख सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।